गुरुवार देर शाम 3 नकाबपोश युवकों ने शराब ठेकेदार राजू क्वालडा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गए। इस हमले में ठेकेदार और उनका कारिंदा जस्सा बाल बाल बच गए। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी सुरेंद्र मांजू, एसएचओ विपिन कुमार, शहरी चौकी प्रभारी सुनील वत्स, इंस्पेक्टर रमेश चंद्र अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। ठेकेदार राजू क्वालडा के सिर पर शीशा लगने से चोट लगी है, जबकि गोलियां उसके पास से होकर गुजर गई। क्वालडा ने बताया कि वह अपने कार्यालय में बैठे थे और अचानक बाहर से गोलियां चल गई। हमलावरों में से एक के बाद एक फायर किए। उन्होंने बताया कि हमलावरों में से एक सिख युवक भी शामिल है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, तीनों युवक फरार हो गए। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने पास में खड़े युवकों से ही उनके कार्यालय का पता पूछा और फिर उनकी दुकान से थोड़ा आगे तक गए। वापस आने पर उनकी ओर फायर किए, लेकिन बीच में एल्युमिनियम और शीशे का कवर होने के कारण वह बाल बाल बच गए। मामला अभी रेलवे रोड पे हमारे राजू कालड़ा, राजू कालड़ा उनकी शॉप है, ऑफिस है उनका, वेंडर हैं, ठेकेदार हैं। उनकी दुकान पे कोई लगभग 6:30 बजे के करीब 3 नौजवान लड़के आए जिन्होंने अपने मुंह बांधे हुए थे और आकर किसी से रास्ते में पूछा भी राजू कालड़ा का ऑफिस कहाँ है। ऑफिस के पास आके उन्होंने सामने से 8 फायर सामने से बाहर से किए हैं, जो शीशे